हाँ जी, कितना सारे। मैं बैठा अज एक्सपो 2020 इतने आया होया ही, ते गड्डी लोड हो गई हुई है। इतों लैके जाना ही समान, ते तुहानू नाल दी नाल दिखाना आपां एक्सपो का एरिया। देखो पिछले पासे जिन्ने भी पवेलियन बने हुए सी, इधर बुल्गारी है, सर्बिया का, इधरली साइड ते दूसरी साइड के उत्ते रशिया का, होर बहुत कंट्रियां दे, ते अलजीरिया, फिनलैंड, ये सारे पवेलियन आप पिछले बेरे देख सकते हैं। उपरली साइड ते बोर्ड लगे हुए हैं हर एक कंट्री का, दोनों साइड ते पवेलियन सीगे जिन्होंने इन्होंने कंट्री जिहड़ी जिहड़ी कंट्री ने रीप्रजेंट किया होया ही। ते असीं आए हुए हैं इत्थे बिल्कुल जदों एक्सपो बंद हो चुका, ते हुण इत्थे सारा क्लीयर कर रहे हैं, जिहड़ियां बिल्डिंगां बड़ियां हुई कुछ होर ऑर्गेनाइज कर लगे, पर एक्सपो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। तो इतने भी जी कि कंट्री रीप्रजेंट करती थी, वो अपना अपना सवार जोड़ा एक्सट्रा आ, तो वो अपनी अपनी कंट्री को कारगो कर रही है हूँ। तो इस साइड भी सारे पवेलियन आ, इस साइड भी तुम देख सकते सारे पवेलियन ने, इस साइड भी, तो ये सारे पवेलियन से किसी टाइम के उत्ते जो एक्सपो चलता हों, तो इतने हजारा ही बंदा आके एक्सपो घूमन देखा आया हों। ये सारा एरिया एक्सपो के अंदर लाया, तो आह एक्सपलोरर ट्रेन हूँ तो इनू यूज नहीं कर सकते, पहला बच्चों या पैसेंजर जोड़े इतने विजिटर को बड़ा आते सी, तो उन्होंने ये राइड दी जाती सी। दूसरी साइड पर तुहानू मैं दिखालता उधर छोटे छोटे कैफे जिहड़े बैन कैफे होंदे आ, जानी पोर्टेबल खाण पीण दा समान सारा हुण इस वेले सारे बंद आ, ते किसे टाइम ते इत्थे पूरा रश होगा। बराड़ अपना एन फुल इंजॉय कर रहा एक्सपो 2020 च। ते इधर रवि भाजी हुणी साडे, ते असीं घूम रहे आ अज एक्सपो, जदों इत्थे एक्सपो सारा क्लोज हो चुका ते असीं उदों आए, पर देखण दा मजा बहुत वधिया आ। तो जिन्होंने चलते देखा होगा वह तो फुल इंजॉय किया होगा, पर इस वेले भी जानी शांत माहौल बिल्कुल, तुसी जिते मर्जी घूमी जाओ। हाँ, पवेलियन की एंट्री सारे की बंद हो चुकी है, वैसे तुसी पूरे एक्सपो के जिते मर्जी घूम सकते हैं, पर अंदर आने लई पास चाहिए है। साडे कोल पास इस करके है, एंट्री साडे कोल इस करके हैगी क्योंकि असी अपनिया गड्डिया लैके आए सी, नाल ट्राले लैके आए सी, इतों लोड कर ली, तो इस करके साडे कोल पास हैगा ही, तो पास तो बिना नहीं एंट्री हैगी। ये सारा एक्सपो का ही पार्ट आ, वखरिया वखरिया चीज़ा देखने लई बहुत ही वधिया बनाया होया एक्सपो। इस तरह के ट्री तुसीं देख सकते हैं, वो सिंगापुर के विच भी है इस तरह के ट्री बनाए हुए, तो ज़्यादा ग्रीनरी आ उत्थे, ये थोड़े आर्टिफिशियल दे बनाए हुए आ। तो उस साइड के उत्ते सीगा एक्सपो फूड कोर्ट, उत्थे अंदर जाके एक्सपो फूड कोर्ट सीगा, कुछ भी खाण पीण दे लई जिहड़ा कैराबन या बैन फूड तो इलावा इधर अंदर वगैरह कैफे रेस्टोरेंट वगैरह हैगे सी। हाँ, तुसीं बिल्डिंग देख सकते, फिनलैंड नूं रीप्रजेंट करदी, फिनलैंड दा एरिया, फिनलैंड दा पवेलियन सी, एक जगाब होया करके थोड़ा जिहा औखा बोल आउंदा। तो पिछली साइड अलजीरिया से, अलजीरिया तो तकरीबन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्होंने क्लीन अप कर रहे हैं, बाकी हजे किसी ऐसे पवेलियन क्लीन अप नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने स्टाफ चक रहा है इतों एक्सपो के किसी भी साइड से तुम जाना, जिदा ये बिल्डिंग है ये वाली, ये अमान रीप्रजेंट करती है, अमान का पवेलियन है, तो नाल गह आगे डेनमार्क का आ गया, उधर अपना छोटे छोटे और पिछे तुम देख सकते छोटे छोटे स्टॉल या अपना कुछ भी खाण पीन थोड़ा बहुत जोड़ा वो ये है सल्तनत ऑफ ओमान की बिल्डिंग। क्लीनिंग की गल की जाए तो हूँ भी इतने पूरा स्टाफ जोड़ा क्लीनिंग स्टाफ पहला रख्या हुआ होगा, वो थोड़ा जहा घटाता हुआ, पर क्लीनिंग बिल्कुल उस तरह मेनटेन की हुई है, तो स्टाफ अपनी अपनी जगह से पूरी क्लीनिंग कर रहा है हर एक जगह की, हर एक बिल्डिंग की, तो अपने वॉक एरिए उत्ते भी
ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੈਂਸਰ ਟਾਈਪ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਐਕਸਪੋ 2020 ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਵੇਲੀਅਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾਂ ਵੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੈਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੀਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗੀ।